गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज फोर्थ लेक्चर ऑफ चैप्टर फर्स्ट. यू नो द चैप्टर इज फोटोसिंथेसिस इन प्लांट. नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शन ऑफ लीव्स. आज का जो टॉपिक है वो फंक्शन ऑफ लीव्स के बारे में हम लोग जानेंगे. फंक्शन ऑफ लीव्स का मतलब हुआ पत्तियों की क्रियाकलाप. पत्तियों की क्या क्रिया होती है पौधों में, उसके बारे में हम लोग आज ज्ञान प्राप्त करेंगे, नॉलेज प्राप्त करेंगे. तो टॉपिक इज लीव्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. पत्तियां जो है फोटोसिंथेसिस की क्रिया को जारी रखती है. दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन. वे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेती हैं और ऑक्सीजन गैस रिलीज करती है, छोड़ती है. थस इस प्रकार हेल्पिंग मदद करती है द प्लांट पौधों को प्रिपरेशन तैयार करने में इट्स ऑन फूड, उनका अपना खुद का भोजन. इस प्रकार पत्तियां जो है पौधों को अपना पौधों के लिए अपना भोजन तैयार करने में सहायक होती है. द नेक्स्ट टॉपिक इज लीव्स टेक इन ऑक्सीजन नीडेड फॉर रिस्पायरेशन इन प्लांट्स. रिस्पायरेशन मीन्स होता है श्वसन. तो पत्तियां जो है ऑक्सीजन गैस भी लेती है पौधों के लिए श्वसन की क्रिया के लिए. पौधों में श्वसन की क्रिया के लिए ऑक्सीजन गैस की भी जरूरत होती है. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेती है भोजन तैयार करने में और ऑक्सीजन का थोड़ा सा मात्रा जो है वो श्वसन की क्रिया के लिए भी लेती है. नेक्स्ट टॉपिक इज प्लांट लॉस वाटर थ्रू स्टोमाटा. पौधे जो है वो वाटर का लॉस करते हैं, छोड़ते हैं, वाटर देते हैं थ्रू एस्टोमाटा. एस्टोमाटा के द्वारा ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन के दौरान. ठीक है बच्चों, टू शो द इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंट थिंग्स इन फोटोसिंथेसिस. महत्वपूर्ण अलग अलग चीजों की महत्वपूर्णता को दिखाने के लिए फोटोसिंथेसिस के दौरान, ठीक है, लेट अस कैरी आउट फॉलोइंग एक्टिविटीज. आओ निम्नलिखित क्रियाकलाप को देखते हैं. यहाँ पे बच्चों एक्टिविटी दिया हुआ है. ठीक है, द टेस्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. टेस्ट जांच करें प्रेजेंस उपस्थिति ऑफ स्टार्च. स्टार्च की उपस्थिति इन ए लीफ पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति कैसे होती है, किस तरह होती है, उसके बारे में हम लोग जांचें. तो इसका जो है इसके लिए हम लोग प्लक ए हेल्दी ग्रीन लीफ. एक हरी स्वस्थ पत्तियां लेंगे. बॉयल इट इन वाटर. उसको पानी में बॉयल करेंगे फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए. ब्लीच द लीफ बाय बॉइलिंग इट इन अल्कोहल. फिर उसको अल्कोहल में उसको पत्तिया को बॉयल करेंगे. वॉश इट इन कोल्ड वाटर. फिर उसको ठंडे पानी से धो देंगे. ठीक है, पुट फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन. फिर पत्तियों पे जो है आयोडीन की कुछ बूंदे रखेंगे, डालेंगे, जो ब्राउन इन कलर, जो कलर में ब्राउन होता है ऑन द लीफ पत्तियों पे. द लीफ टर्न्स ब्लू ब्लैक. क्या होगा जो रिजल्ट जो प्राप्त होगा, वो पत्ती जो है वो टर्न हो जाएगा, बदल जाएगा ब्लू ब्लैक कलर में. ब्लू ब्लैक कलर में पत्तियां जो है वो चेंज हो जाएगा. यह दिखाता है कि स्टार्च जो है वो पत्तियां में उपस्थित है. ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने फंक्शन ऑफ लीफ के बारे में जानकारी प्राप्त किया और पत्तियों में स्टार्च कैसे उपस्थित रहता है उसका पता लगाने के लिए हम लोग ये निम्नलिखित क्रियाकलाप के बारे में जाना कि पत्तियों में स्टार्च होता है. ठीक है बच्चों, हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे. थैंक्स.